विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा संगठन विस्तार करने में जुटी है। इसके तहत आजमगढ़ महिला मोर्चा की नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत समारोह पार्टी कार्यालय पर रखा गया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा गोरखपुर की क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता भी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह व बबीता जसरासरिया ने क्षेत्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष अमिता गुप्ता को बुके भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर आजमगढ़ महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बबीता जसरासरिया, जिला उपाध्यक्ष पूनम सिंह, जिला मंत्री जूही श्रीवास्तव, विभा सहित अन्य पदाधिकारियों को अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया गया। आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करती हुई क्षेत्रीय अध्यक्ष ने महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महिला मोर्चा की कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं व लोगों को जागरूक करें और पार्टी को मजबूती प्रदान करें। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। इसका उद्देश्य ये है कि महिला मोर्चा आजमगढ़ से जिला अध्यक्ष बनी है बहन बबीता जी, जो कि अपने महिला मोर्चा की जो टीम घोषित किया इन्होंने, उस टीम का ये स्वागत समारोह रखी है। और उस स्वागत समारोह में क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व से मैं भी इनके निमंत्रण से आई हुई हूँ। आज ये कोई भाषण का विषय नहीं है, ये स्वागत समारोह रखा गया है महिलाओं के परिचयात्मक बैठक। महिलाओं के जोड़ने के लिए ही हमारी सरकार, हमारी महिला मोर्चा की बहनों को, जो अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे क्षेत्र में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में महिला मोर्चा की टीम घोषित हो रही है। और महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में हम सभी बहनों के बीच में जाकर अपने बहनों को जोड़ने का काम करेंगे अपने टीम के साथ। और सरकार के नीति और रीत को और सरकार द्वारा जनता के हित के लिए जितने भी हमारे फैसले बनाए गए हैं, जो सरकार बनाई है, हम उनको लोगों के बीच में, हर वर्ग के लोगों के बीच में लेके जाएंगे और अपने मजबूती से अपने बातों को रख करके अपने टीम को और अपने पार्टी को मजबूत बनाएंगे। आज जो प्रोग्राम है वो महिलाओं की जो टीम बनी है 31 की, तो उसको सम्मानित करने की का प्रोग्राम है ये। क्या उद्देश्य देंगे? बस महिलाओं को जागरूक करना है। यही महिलाएं जो बनी हैं वो डोर टू डोर जाएंगी और महिलाओं को निकालेंगी और महिलाओं को जागरूक करेंगी और उनको योजनाओं के बारे में बताएंगी जो मोदी जी की योजनाएं हैं।